तमाम इस सभा में हमारे सम्मानित नेतागण, नौजवान साथी, माता बहन सबको सनक मल्ला मुकेश सहनी का नमस्कार प्रणाम। बसंत पंचमी और माँ सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पे आप सभी को बधाई। साथियों, आज सबसे पहले मैं एक बात को चर्चा करूंगा कि सबसे पहले जरूरी है एक व्यक्ति की जिंदगी में शिक्षा, पढ़ाई लिखाई। इसलिए माँ सरस्वती के कृपा से आप लोग अपने बच्चे को पढ़ाए लिखे, उनको काबिल बनाए। दुनिया का कितना भी उसको दौलत दे दे, लेकिन उनको समझ ना हो, शिक्षा प्राप्त ना हो, तो दौलत कोई काम का नहीं है। इसलिए उनको शिक्षा बहुत जरूरी है। आज आदमी को दो आंख हो या ना हो, लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी है। आज मेरे पास दो आंख रहने के बावजूद भी अगर शिक्षा प्राप्त नहीं होता तो शायद ये पेपर नहीं पढ़ पाता। तो आज हम शिक्षा इस संसार में आपको बहुत जरूरी है। आज दिन भर दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला, मजदूरी करने वाला, चाहे किसान हो या रोड पे काम करने वाला व्यक्ति हो, उसको सबसे कम पैसा मिलता है। जो दुनिया में कम काम करता है, एसी रूम में बैठकर अपनी जिंदगी जीता है, उनको दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। सॉफ्टवेयर बना दिया, कंप्यूटर बना दिया, मोबाइल बना दिया, पूरा संसार में लोग उसको यूज करे और उसको रॉयल्टी उनको मिलता है, वो घर बैठे बैठे कमाते हैं। इसलिए जो दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करता है उसको सबसे कम पैसा मिलता है, जो कम मेहनत करता है उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, इसलिए क्योंकि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। आज हम भी एक मछुआरा गरीब परिवार में जन्म लिए, पिताजी मछली मारते थे, लेकिन हमने पढ़ाई किया और मुंबई जैसे शहर में मैं गया तो लोग मुझे नहीं ठगा, हमने लोगों को देखना और लोगों के बीच में रहकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। इसलिए साथियों, आज आप लोगों के बीच में है तो मैं आप लोगों से एक ही अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, सबसे पहले वो जरूरी है। आप खाना थोड़ा कम खाइए, लेकिन बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। इसलिए साथियों, अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि पिछले 6 साल से लगातार पूरे बिहार में घूम घूम कर मैं काम कर रहा हूँ और 24 घंटा हमें समझाना पड़ता है कि बाबू ये दिन है, ये रात है। उसके बाद इतना मेहनत करने के बावजूद भी हमें मंजिल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है। यही अगर हमारा समाज पढ़ा लिखा होता, जैसे हमारे दो साथी यहाँ पे भूमिहार भाई यहाँ पे थे, जैसे दो बात बोले आप लोग बहुत ताली बजाए, क्योंकि ये समझदारी का एक फेर है कि पूरे मंच में सबसे ज्यादा ताली उन्होंने लिया। क्यों लिया? क्योंकि वो पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति थे। अच्छे अच्छे बात को रखा और आप लोग भी ताली बजाए। इसलिए आप लोग भी अगर अच्छा पढ़ लिख लेंगे तो दुनिया में हर कोई आपको पीछे ताली बजाएगा। आज हमने एक अच्छे सोच समझ से, आप लोगों के सहयोग से आज बिहार में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत सफलता प्राप्त हुआ। आज 25 साल से मुजफ्फरपुर में सांसद हमारे समाज से हमारे जयनारायण, स्वर्गीय जयनारायण निषाद जी कैप्टन साहब रहे, आज उनके पुत्र हमारे अजय जी हैं। लेकिन हर 5 साल पहले आप अगर जब भी चुनाव होता होगा तो आप चुनाव के बाद आप टेंशन में होंगे कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा कि नहीं जीतेगा। लेकिन हमने क्या किया कि चुनाव रिजल्ट आने से पहले मैंने क्लियर कर दिया कि मुजफ्फरपुर का सांसद अगर कोई होगा वो मल्ला का बेटा होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। 2014 में या उससे पहले 9 में या उससे पूर्व में जब भी आपने वोट दिया होगा तो आपको वोट काउंटिंग के समय में डर हुआ होगा कि हमारा कैंडिडेट, हमारा समाज चुनाव जीतेगा कि नहीं जीतेगा। लेकिन हमने बिहार में वो स्थिति कर दिया कि काउंटिंग होने से पहले, वोट गिरने से पहले हमने निश्चित कर दिया था कि मुजफ्फरपुर का कोई सांसद होगा तो मल्ला का बेटा होगा, वो मैंने निश्चित कर दिया। आज तक आजादी के 71 साल बीतने के बाद हमारा समाज हर पॉलिटिकल पार्टी के पीछे घूम घूम कर अपनी जिंदगी अपने चप्पल खींच देता था, एक टिकट मारने के लिए उसके पीछे भगवाने लगता था। लेकिन हमने आपने वो स्थिति पहना दिया कि मल्ला का बेटा टिकट बांटा मांगने का काम नहीं किया, टिकट बांटने का काम किया। आज आपके टिकट में मधुबनी में आपके बनिया समुदाय को हमने टिकट दिया, वहां पे वो चुनाव लड़ा। मुजफ्फरपुर में आपने टिकट हमने दिया, आपके डॉक्टर साहब ने यहाँ पे चुनाव लड़ा, एक जगह से हमने खगड़िया से भी लड़ा। लेकिन हम लोगों में जागरूकता का कमी रहने के कारण हम सफलता प्राप्त नहीं हुई। आज 2019 में अगर आप जागरूक होते तो निश्चित तौर पे आप सही निर्णय लेते, तो
आपका कैंडिडेट चुनाव जीत के जाता है। आज आपका समाज का बेटा है लेकिन वो मोदी जी के आदमी है। आज दिल्ली में लोकसभा में कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि उनका मालिक जो है वो मोदी जी है, लेकिन आपका बेटा डॉक्टर राजभूषण सहनी अगर यहाँ से जीत के जाता तो उसका मालिक मुकेश सहनी होता, उसका मालिक बिहार के तमाम निषाद का बेटा होता। लोकसभा में हर वो मांग को हर दो दिन में तीन दिन पर लोकसभा में वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के कहता कि मोदी जी आपने 2014 में वादा किया था कि निषाद समाज को आरक्षण देंगे वो कर दीजिएगा। मोदी जी आपने 2015 में वादा किया था कि निषाद समाज को आरक्षण देंगे कब दीजिएगा। आपने तमाम वादा आपने किया निषाद समाज के लिए वो वादा कब पूरा कीजिएगा। हर रोज उनको वहाँ पे बताते और संविधान में हमारे पास अधिकार होता और निश्चित तौर पे जब हम विरोध करते तो मोदी जी भी घबराते, वो भी डरते और वो आपके लिए काम करता। तो कहीं ना कहीं आपने ये मौका को गवा दिया। आज आपका बेटा, आपका समाज का बेटा भले ही सांसद हो लेकिन आज के लिए आवाज नहीं उठा सकता क्योंकि वो मोदी जी का आदमी है। तो इसलिए आज बिहार में मजबूती से हम लोग आज गठबंधन के साथ में है।